नमस्ते और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूँ श्वेता। उम्मीद है मेरे सारे फ्रेंड्स खूब स्वस्थ और खूब सुरक्षित होंगे। तो पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपसे ये बताया कि किस तरह से नवरात्रि और नवरात्रि के बाद भी दो एक हफ्ते तक फीवर और सर्दी जुखाम से हम लोग परेशान थे, और लेकिन उसके बाद ईश्वर की कृपा से अब पूरा घर स्वस्थ है। लेकिन बुखार के बाद कुछ वीकनेस बॉडी में अभी भी रह गई है। इस बार पता नहीं क्यों ये बुखार कैसा है कि शरीर में जो कमजोरी रह जा रही है वो जल्दी जा नहीं रही है। या तो ये एज फैक्टर की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे तो काफ़ी जल्दी रिकवर हो गए, पर अभी कुछ वीकनेस हम लोगों में बाकी है। तो उसके लिए मैंने ब्रेकफास्ट से लेकर लंच और डिनर पूरे टाइम ऐसी चीज़ों का ज़्यादा खाने पीने में यूज़ किया, जो जिससे कि हमें अच्छा न्यूट्रिशन मिले और शरीर को एक अच्छी पौष्टिकता मिले। तो ब्रेकफास्ट में मैं आजकल बनाती हूँ, मैंने नवरात्रि के बाद से ही जब से वीकनेस हुई बॉडी में उसके बाद से मैंने ये चीज़ें चालू की थोड़ा आराम मिलने के बाद। तो ये चुकंदर, गाजर और पालक के पत्ते हैं, इन्हें मैं बटर में हल्का सा जलाकर हल्का सा फ्राई करके और नमक डालकर ढककर पका लेती हूँ। और इसमें इसके थोड़ा सा गलने के बाद हल्की सी काली मिर्च का पाउडर छिड़ककर इसे ब्रेकफास्ट में लेते हैं। तो इससे एक फाइबर है और प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, कई तरह की चीज़ें हमारी बॉडी में पहुंचती हैं, तो एक अच्छा ब्रेकफास्ट हो जाता है। और इसी के साथ ही अभी तक तो हम लोग वैसे कच्चे चने खाते थे नाश्ते में, अंकुरित चने, लेकिन अब इन चनों को मैं उबाल कर यूज़ करने लगी हूँ, क्योंकि कच्चा चना थोड़ा डाइजेस्ट होने में टाइम लेता है, इसलिए उबले चने का यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें जो है मैं डालती हूँ टमाटर, महीन बारीक कटी प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, काला नमक और खीरा या ककड़ी या जो भी चीज़ें आप डालना चाहें उबाल के चने में, नमक के साथ चने को उबाला और ये सब चीज़ें मिलाकर सर्व की। और सर्व करते समय ही इसमें डालें प्याज और नमकीन भुजिया, जो भी आपको अच्छा लगे। तो बहुत ही एक अच्छा टेस्टी चटपटा सा नाश्ता है, और साथ ही बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक भी है। काले चने शरीर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, ताकत देते हैं। तो आजकल इस तरह के ब्रेकफास्ट को करने से थोड़ा सुबह के समय एक अच्छी शरीर को ताकत मिल जाती है। और साथ ही मैंने जो बनाए थे लड्डू वो हैं, और ड्राई फ्रूट्स, दूध और ये दोनों चीज़ें, और इसके साथ ही फ्रूट्स है या फ्रूट के जूस हैं, वो भी जिसको लेना होता है वो लेता है। तो इसी के साथ ही मैंने एक बनाया है हेल्थ का कॉर्नर छोटा सा, जो कि मेरे अपने रूम में मैंने ये बनाया है, जिससे कि अधिकतर समय यहीं पर बीतता है, क्योंकि रेस्ट ज़्यादा करना है तो किचन में जो समय गया वो उसके अलावा मैं रूम में रेस्ट ही करती हूँ। तो यहीं पर मैंने रख रखी हैं ये सब चीज़ें, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसमें कुछ हेल्थ ड्रिंक हैं, च्यवनप्राश है और हनी है, और भी कुछ विटामिंस और की टेबलेट्स हैं मल्टी विटामिंस की, और उसके साथ ही कुछ स्वाद के लिए भी और सेहत के लिए भी हर चीज़, जिससे कि ऐसा होता है ना कि जब हम आराम करते हैं, बैठे रहते हैं या लेटे रहते हैं, तो हमें आलस होती है कुछ खाने पीने में, तो पास ही रहता है तो जब जो हुआ इच्छा वो खा ली। तो आजकल जिस तरह से तबीयत में थोड़ी सी गिरावट है, उसी हिसाब से काम भी थोड़ा बढ़ गए हैं। सब्जी और फल जो भी आता है उसे थोड़ी देर पानी में भिगो देते हैं, सेंधा नमक के पानी में, या फिर आप पोटेशियम परमैंगनेट भी रख सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो पानी से निकाल कर उसको रखना, और फ्रूट्स का आजकल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सुबह या शाम जब भी खाना होता है तो फ्रूट्स लेते हैं हम लोग ज़्यादातर, तो आजकल बहुत ही अच्छे फ्रूट्स आ भी रहे हैं। और जिस तरह से डिमांड है वैसे इसकी कीमतें भी बढ़ती चली जा रही हैं। तो तरबूज तो आजकल बहुत ही अच्छा आया, और शाम को तो अच्छा नाश्ता हो जाता है, और इन्हें भी बहुत पसंद है। ये हैं चिड़िया रानी, इनकी कहानी मैं ज़रूर आपको बाद में बताऊंगी। तो ये सब के साथ ही शाम को भी मैं कुछ अच्छा स्नैक्स बनाने के लिए आजकल पनीर का यूज़ करीब लगभग रोज़ ही हो रहा है, किसी ना किसी तरीके से, या तो प्लेन पनीर ही खा ली या फिर फ्राइड करके नमक काली मिर्च डाल के। तो आज मैं ये बना रही हूँ चिली पनीर जैसा, हल्का ड्राई चिली पनीर है ये, बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो इसमें ये सब मसाले
ब्लैक पेपर, हल्दी, चिंग्स चाइनीज़ का मसाला अगर आपके पास हो या तो कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा अरारोट और हल्का सा ऑरेंज कलर, ये सब डाल के महीन कटे हुए शिमला मिर्च और प्याज में हल्का सा फ्राई की हुई पनीर मिलाकर बस ये 10 मिनट में बन जाता है ये आसान सा नाश्ता। तो पनीर को ज़रूर अपनी डाइट में हम लोगों ने शामिल किया है, या सुबह शाम किसी भी नाश्ते में या फिर लंच या डिनर में सब्जी बनाकर तो पनीर का और किसी भी मिल्क प्रोडक्ट का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करें, तो हम लोग भी वही कर रहे हैं। तो अब है सेहत में काफ़ी सुधार, तो कुछ चटपटा सा भी खाने का मन हो जाता है। तो उसके लिए शाम को देखिए एक घंटे या पौन घंटे में तो बैटरी डाउन हो जाती है हाथ पैर की। इधर बीच तो जब बुखार के बाद जो वीकनेस हुई तो उसमें कुछ ही देर के लिए ही किचन में जाना होता था और उतने में ही फटाफट से काम करने होते थे, तो मल्टीटास्किंग एक तरह से काम करती थी मैं। तो दो बर्नर गैस के और एक इंडक्शन, तो तीनों मैं यूज़ करती हूँ जिससे कि जल्दी खाना पीना बन जाए। तो इंडक्शन पर रख दिया है सेवई भूनने के लिए और एक चूल्हे पर छौंक दी है इमली की चटनी और साथ के साथ सेवई भी तैयार हो रही है और इमली की चटनी भी, और उसके साथ ही मैंने उबाल लिए हैं छोले थोड़े से खड़े मसालों के साथ, जैसे लौंग, इलायची, काली मिर्च, ये सब डाल के साथ ही उबाला है। चटनी भी बस है तैयार, तो इसमें मैं डाल रही हूँ सोंठ, काला नमक, सेंधा नमक और लाल मिर्च पाउडर, गुड़ और चीनी। इसमें इमली के पल्प का जस्ट डबल डाला है मैंने जिससे अच्छी मिठास आएगी। बस चटनी और सेवई तो लगभग रेडी हो चुकी है करीब 15 से 20 मिनट के अंदर ही। के साथ ही उबल गए हैं छोले, तो गैस पर मैंने छोलों को रख दिया था उबलने के लिए कुछ खड़े मसालों के साथ। तो अब बस, और भटूरे का भी आटा मैंने लगा दिया था सबसे पहले ही, तो पहले भटूरे का आटा लगाकर इन तीनों चीज़ों की तैयारी चालू की मैंने। तो और छोले के लिए मैंने पीसे हैं टमाटर, अदरक, लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, और बहुत ही ईजी तरीका है ये छोला बनाने का और बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको इस तरीके से आप बनाएं तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही टेस्टी छोले बनते हैं। तो सारे टमाटर, प्याज, लहसुन और अदरक मिर्च को एक साथ पीस लिया और बस तेल डाला, तेल में डाला तेजपत्ता और पेस्ट पूरा डाल दिया फ्राई होने के लिए और तेल छूटने तक इनको भूना। और इसमें बहुत ही कम मसालों में मैंने ये छोले बनाए हैं, ज़्यादा ये पेस्ट ही है जिससे ग्रेवी गाढ़ी होगी और मसाले बहुत ही कम हैं। तो बस इसमें मैंने डाला है एक छोटे चम्मच छोला मसाला, एक छोटे चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा काश्मीरी मिर्च और बस स्वाद के अनुसार नमक। तो बहुत ही कम समय में मैंने ये डिनर तैयार किया और आजकल तो ऐसा ही है हाल कि बस किचन में सारी तैयारियों के साथ मैं जाती हूँ और फटाफट सारे काम निपटाकर फिर रिलैक्स करना होता है, क्योंकि ज़्यादा देर किचन में खड़े होने से थोड़ा थकावट आ जाती है। तो जितना हो सकता है कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम छोटे मोटे निपटा लेती हूँ जिससे कि आराम का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। तो हमें तो अपना ध्यान खुद ही रखना है और अपने परिवार का भी रखना है, तो इसलिए अपना ध्यान तो औरों से थोड़ा पहले रखें, जिससे आप फिट रहेंगी ना तो फैमिली भी फिट रहेगी। तो ये है छोले में थोड़े से टेस्ट में ट्विस्ट। ये आप देख रहे हैं मैं डाल रही हूँ इमली की चटनी इन छोलों को पकने के बाद, तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी होता है ये छोला। और इसे तो आप बिना किसी पूड़ी भटूरे के भी ऐसे ही सादा ही खा लें तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो बस थोड़े से रेस्ट के बाद मैंने तल दिए हैं भटूरे और कुछ पूड़ियाँ भी, तो बस डिनर हो गया है रेडी। लगभग आधे से पौन घंटे में सब चीज़ें हैं तैयार। तो हमें अपने परिवार का ध्यान रखना है। तो इस बार के बुखार तो कई बार वैसे हुआ होगा ज़िंदगी में, लेकिन जो वीकनेस इस बार है वो ऐसा तो कभी फील नहीं हुआ। तो बस किचन कर दिया है साफ और अब है शांति घर में, सब काम हो गए हैं ख़त्म डिनर के,
और इनकी कहानी मैं ज़रूर आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगी। ये हैं चिड़िया रानी, इन्होंने आजकल हमारे घर में डेरा डाला हुआ है और तरबूज ये इन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं डेली इनके लिए एक पीस रख देती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।